अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ फ्रेंड्स आज फिर बहुत ही प्यारी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ के अल्लाह पाक सब का दिन खुशियों भरा गुजारे और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे आमीन और सब मेरे मुसलमान बहन भाई जिस भी कंट्री से मुझे देख रहे सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो और ईद की खुशियाँ अल्लाह पाक आप सब लोगों की इतनी ज़्यादा करे और इतनी ज़्यादा आपको हर चीज़ में कामयाबी हो अल्लाह पाक हम सब की आज के दिन दुआएं कबूल फरमाए और सबको बहुत दोबारा से ईद मुबारक माय फ़्रेंड फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद बाद मैंने सोचा जो कुकिंग का काम है वो जल्दी जल्दी कर तो फिर उसके बाद देखती क्या करती अभी बच्चे सो रहे हैं क्योंकि ईद की नमाज में अभी टाइम है बस फजर की हस्बैंड भी बेटी भी बेटा भी नमाज़ पढ़ रहे हैं तो बस नमाज़ पढ़ के सब थोड़ी देर के लिए लेट जाएंगे तो मैं अपना जो मेरा काम होगा कुकिंग का फिर मैं वो स्टार्ट कर दूँगी अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हस्बैंड और बेटे के मैंने किस तरह के कपड़े बनाए ये देखिए वाइट लॉन्न काटन के मैंने इनके क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कराची में तो मैंने ये लॉन्द काटन के वाइट कलर के इनके शुरू शलार कमीज़ बनवाएँ और मतलब इस ये सही है गर्मी में ना और भी दो दो सूट हैं लेकिन वो भी नहीं है लेकिन ईद की नमाज़ के लिए मैंने किया और ये वाला जो है ये रेड कलर का मेरा है ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है ये भी फ्रेंड्स मैंने ख़ुद ही फुल डिज़ाइन किया है सूट तो कभी अपनी कलेक्शन टाइम निकाल के मैं आपको सारी अपनी दिखाऊंगी और मैंने और आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने किस तरह कौन से कपड़े किस तरह डिज़ाइन किए हैं तो चलिए बस अब आ जाते हैं हम लोग किचन में और फिर उसके बाद तीन चार चीज़ें मैं आज बनाऊंगी पहले बना लेते हैं मीठा दो मीठे मैं बनाऊंगी तो एक जो इस ईद की ख़ास निशानी होती है शीर खोरमा या फैनी ये जो भी आप लोग कह लें तो वो पहले बना लेते फिर उसके बाद ना दूसरा मीठा बनाऊंगी मैं अभी ये जो भी चीज़ें बना रही हूँ ना मैं अभी के लिए बना रही हूँ लंच के लिए रात को फिर ईद पर ना रात को अलग मेन्यू होता है क्योंकि ये मैं हमेशा से ईद पर इसी तरह करती हूँ कि दोपहर का मेन्यू अलग रात का क्योंकि फ़ील होना चाहिए कि ये हमारा खास दिन है वरना ऐसा होता है कि कोई ऐसे मौका हो बर्थडे वगैरह या कोई ऐसी तकरीबा बंदा जो दोपहर में बना लेता है फिर वही कहता है कि चलो वही शाम में भी हो जाए लेकिन ईद पर तो फिर ख़ास वो होता है ना अभी देखे मैंने चेक किया ईद वाले दिन भी चैन नहीं है गैस की लोड शेडिंग चल रही है तो मैंने बाहर आ गई हूँ सिलेंडर पर मैं मीठा रेडी कर लेती हूँ जो जो मैं रेडी सिलेंडर पे कर सकी फिर गैस आ गया तो फिर ठीक है फ्रेंड बस मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को ना सिंपल ये मीठे पसंद है जैसे ऊपर ड्राई फ्रूट डालते हैं ना वो नहीं ज़्यादा पसंद तो फिर इसलिए यह मैं बिल्कुल सिंपल रखूँगी हाँ जब मेहमान आते हैं कुछ होता है, तो फिर मैं इन पर ड्राई फ्रूट वगैरह की गार्निश कर देती हूँ सजा देती हूँ तो बस इसी तरह ये पहला मीठा मेरा इन जल्दी से रेडी हो रहा है फिर उसके बाद दूसरे की तरफ होते हैं वो क्या बनाते हैं अभी मैंने ये कर लिया ये देखे तकरीबन डन हो गया है तो अभी मैं इसको ले जाऊँगी इसको डिश आउट करूंगी ये देखे बहुत ही ये और अब मैं दूसरा शुरू कर रही हूँ अब मैं बनाऊँगी खीर लेकिन वो रंगीन सवैयाँ डालकर ये मैं हर ईद पर लाजमी बनाती हूँ आप यकीन करें कभी आप बनाएँ पैकेट वाली कोई भी कंपनी की एक सिंपल खीर ले लें और उसके अंदर ये जो रंगीन सवैयाँ होती हैं ना मीठी जो बनाते हैं हम लोग वो सिंपल दूध में भी बनती हैं वैसे भी तो वो डाल के बनाएं आप यकीन करें कि इतना मज़े का इसका फ्लेवर हो जाता है अब यह मैंने एक खीर का पैकेट डाला ये देखो और बीच में ये रंगीन सवैयाँ डाली हैं ये एक कलर की भी मिलती है यह और ये इतना मज़े का मीठा होता है अब ये जो इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है ना ये बिल्कुल क्रश हुआ हुआ है तो ये खीर में ही पक जाएगा इसका पता भी नहीं चलेगा और ये इसमें अच्छी भी लगती है तो बच्चे और मेरे हस्बैंड खा लेते हैं अब शुरू कर लेते हैं दोनों मीठे हमारे बन गए रात में कुछ और बनाऊंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी तो अभी ये जो है अभी बना लेते हैं कोरमे के लिए हम प्याज़ कट कर लेते हैं क्योंकि कोरमे में ज़्यादा प्याज लगते तो ऐसे ख़ास जब दिन होते हैं ना तो उसमें ये कढ़ाई जो होती है ना वो इतना मज़ा नहीं करती कोरमा एक बहुत ही ज़्यादा शुरू से चलता आ रहा है तो कोरमे का तो अपना ही एक लेवल है ना जैसे बिरयानी का है इस तरह ना तो कोरमा लाजमी मैं बड़े दिन बनाती हूँ और ये देखें ये वाला मेरा सूट है अभी मैं प्याज कट करके सारे आ गई थी तो मैंने सोचा मैं अपना सूट भी आप लोगों को अच्छे से दिखाऊं ये मैंने बहुत ही मतलब खुद डिज़ाइन किया ऐसा कि मैं अपने कपड़े इस तरह डिज़ाइन करती हूँ कि वो खूबसूरत भी लगते और मैं छोटे मोटे किसी फंक्शन पे भी अच्छे से पहन के जा सकती हूँ अब मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक है अब मैंने इस पर यह शीशे लगाए हुए ये भी मैंने सुई से लगाए और इसकी जो डिज़ाइनिंग की सारी मैंने रेड पर रेड की है तो उसका ये कि वो ये पहना हुआ इतना फिर प्यारी ऐसी चीज़ें लगती है और मुझे डिसेंट चीज़ें बहुत पसंद है बस मैंने दुपट्टे के कलर के इसमें शीशे ऐड कर लिए हैं और ये जो ट्राउज़र है इसको भी देखें कितना खूबसूरत मैंने डिज़ाइन किया है ये देखें तो ये मैंने दुपट्टे के कलर का लिया है अभी ये देखे दुपट्टा है कितना प्यारा है इसमें थोड़ा वर्क हुआ हुआ है और साइडों में मैंने टस्तर लगवाई है और ये फ़्रॉक है और इसके स्टोन इस जो शीशों वाले जो काम है वो मैंने खुद किया और ये डिज़ाइनिंग भी पूरी मैंने खुद की और ये चूड़ा है इंडियन चूड़ा है ये मैंने लिया था तो मैंने सोचा आज इसके साथ मैं कैरी करूँगी तो ये कितना प्यारा लग रहा है इसलिए मैं कुकिंग का काम पूरा करने के बाद फिर ये पहनूंगी क्योंकि आपको पता है मेरे हर वक्त हाथ में वो सिंपल कड़े रहते जब से मेरी शादी हुई मैं सिंपल ये पहनती हूँ या एक दो अंगूठी पहन लेती हूँ हैवी चूड़ियाँ मैं बहुत कम पहनती हूँ अगर पहनती हूँ तो किसी फंक्शन वगैरह में तो फिर मैं आ, मतलब ना थोड़ी देर पहनती हूँ फिर उतार देती हूँ फिर बस अभी दूसरी चीज़ों के लिए भी प्याज थोड़े से और कट कर लेते हैं तो बस इसी तरह ही हमारी तैयारी होगी आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग क्या क्या बनाते हो कैसे कैसे आपकी तैयारी चल रही है ज़रूर कमेंट में बताइएगा बस इसी तरह ही बस दो तीन डिशे बनाऊंगी अब ये देखिए मेरे ने ना मटन कलेजी बना ली है इसकी भी मैं रेसिपी आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी बस इस टाइम ना थोड़ा जल्दी थी कि जल्दी जल्दी खाने रेडी हो जाएं तो नमाज़ मेरे हस्बैंड और बेटे के आने से पहले तो ये देखिए माशा इतनी ये यमी मटन कलेजी है इसकी भी रेसिपी मैं ज़रूर आपको सिखाऊँगी कि जैसे मैंने चिकन कलेजी की सिखाई थी तो ये था ना कि आते ही पहले थोड़ा मीठा खाएँगे फिर उसके बाद ये कलेजी जी के साथ थोड़ा नाश्ता कर लेंगे फिर उसके बाद यही है कि ईद वाले दिन तो ये होता है थोड़ा थोड़ा चलता ही रहता है खाना फिर उसके बाद इसके बाद मैंने ना यखनी पुलाव रेडी किया क्योंकि बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है हस्बैंड को भी पसंद है लेकिन बेटी को बहुत पसंद है तो उसके बाद मैंने ये अब कौरमे की जो प्याज़ मैंने काटी थी वो मैंने एक बाउल में डाली है ये पाँच छः प्याज़ हैं इनकी भी मैं सबकी रेसिपी जो फुल रेसिपी है ना वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी इन तो उसके बाद ये देखिए अब मैं कौरमे रेडी करने के लिए हो हो गई ये भी देखे मेरा माशा माशा चिकन कौरमा बिल्कुल रेडी और आपको पता है कि त्यौहारों की जान कौरमा हो शीर कौरमा इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना मीठे जो ख़ास जो हमारे पुराने मीठे होते हैं वो तो बस इसी तरह करते हुए आप देखे यह यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है देखे कैसे खिले खिले चावल बने फिर गैस भी आ गया था कुछ चीज़ें मैंने सिलेंडर पर बनाई कुछ गैस पर अब ये देखे यखनी पुलाव कितना मज़े का घर के मसाले डले और कितना मज़े का यमी सा ये देखे खिले खिले चावल हैं और बहुत ही अच्छा है मैं बिल्कुल चावल अब मुझे इतना अंदाज़ा है मैं नापे बगैर चावल भी डालती हूँ और बहुत ही अच्छे और यमी बनते अब कर लेते हैं किचन क्लीन पूरा क्योंकि मेरी पूरी कुकिंग हो गई रोटियाँ भी बन गई हैं तो पहले सोचा था मैं बाहर से नान मंगवा लूँगी फिर मैंने वो नहीं मंगवाए तो अभी बस हल्का सा एक या चंद सेकंड कोर में मैं दे रही है लेकिन मैंने सोचा अब पूरा किचन मैं नीट एंड क्लीन कर लूँ फिर ये भी काम निपट जाएगा और बेटी भी तैयार हो रही है मैं भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाऊँगी और फिर जब हस्बैंड और बेटा आएंगे तो उनसे ईद भी मिलनी है तो पूरा किचन नीट एंड क्लीन होता है फिर शाम तक सुकून रहेगा कि हाँ भाई सारे काम हो गए मुझे बताइएगा मेरी कौन कौन सी बहन इस तरह काम करके फ़ौरन किचन साफ़ करके बाहर निकल आती सभी करती होंगी क्योंकि किचन तो सब बहनों को पसंद है कि साफ़ सुथरा ही रहे पता जब आप ये एक बार करना शुरू हो जाएंगे ना कि साथ साथ ही बर्तन धो लिए साथ ही किचन साफ़ कर लिया फिर आपकी ये ना जैसे हर आदत होती है कि खाना बनाना है रोटी बनानी है दो दो

ईद पे तो यही रहता है बस वो ये है कि अभी बस मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स अभी मैं बस जाऊंगी देखती हूँ बेटी को मेरी हेल्प चाहिए तो मैं उसको थोड़ा बहुत तैयार करती हूँ और उसके बाद फिर मैं खुद अपना अपने लिए रेडी होती हूँ कपड़े वगैरह पहनती हूँ फिर ईद की देखते हैं आगे क्या शेड्यूल होता है वो करते हैं अब अब मैं आपको अपनी सब डिशेज़ दिखा देती हूँ मैंने कितना प्यारा मेन्यू बनाया है ये ये हमारी रोटियाँ मैंने बनाई है ये मटन कलेजी है और ये चिकन कोरमा है जो इस दफ़ा मैंने ना लेग पीसीस का बनाया है और उसके बाद ये हमारा यखनी पुलाव है और ये वाला मीठा सवैयों और खीर का है और ये वाला फैनी वाला मीठा है तो ये बहुत ही यमी मेरा मेन्यू था आज दोपहर का क्योंकि आज किसी ने बताया तो नहीं था आने का जाएंगे हम लोग कहीं तो रिश्तेदारों के तो वो फिर मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ हम जाते तो दोपहर का मेन्यू यही था तो मैंने कहा ये सिंपल सा और मज़े का है कि इतना हैवी भी नहीं है और मज़े का भी मेन्यू है कि जिस चीज़ को दिल चाहे वो बंदा खा ले तो बा बाकी रात में ये है कि कुछ बार भी क्यों करूँगी या कढ़ाई वगैरह बनाऊँगी तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो ये देखे कितनी यमी डिशेस लग रही हैं मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी तो तब भी मुझे इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी ईद वाले दिन बनाया ईद वाले दिन ही एडिट किया आप सब लोगों के लिए ये सारा मेन्यू मैंने तैयार किया और इतनी जल्दी ये मैंने एडिट किया कि मुझे आज ही अपने सब फ्रेंड्स को ये व्लॉग अपना ईद वाले दिन का पहुंचाना है और सबको ईद मुबारक कहनी है और ये सब खाना आप लोगों के लिए सबसे पहली बाइट सबसे पहला खाना आप लोगों के लिए बस अभी हस्बैंड वाले भी उठ गए थे अभी बस नमाज का टाइम होने वाला है तो वो भी तैयार हो रहे थे और ये देखे मैंने मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे तो मैंने सोचा ये चूड़ियाँ भी पहन लूँ क्योंकि अब मुझे कोई भी हैवी काम नहीं है खाना मेरा बन गया है और बेटी को भी मैंने थोड़ा बहुत मेकअप तो वो भी नहीं मेरी तरह करती बस उसने कपड़े चेंज कर लिए हैं तो नहा कर निकली है तो अभी ये मैं भी अपनी चूड़ियाँ पहनूँ ये कितना प्यारा है। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले से लेकर रखा हुआ था तो ये अभी मैं पहन रही हूँ पहली बार ये मैं पहन रही हूँ मुझे इतना प्यारा लगा लेकिन हैवी है इतनी ज़्यादा मैं चूड़ियाँ ना पहनती नहीं हूँ घर में लेकिन मैंने सोचा और ये मेरी चैन है जो मैं कैरी करूँगी ये बस यही मैं पहनती हूँ अगर कोई शादी वगैरह हो तब भी मैं और ये मेरा फुल ड्रेस देख ले मेरी फुल लुक देख ले इसी तरह के मेरे बहुत ही प्यारे सिंपल सिंपल और प्यारे से कपड़े आपको मिलेंगे कभी बनाऊंगी इस चीज़ पे भी व्लॉग मेरी एक बांग्लादेश में एक सिस्टर है उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भी और वैसे भी मैसेज किया था कि आप अपनी ना कपड़ों के कलेक्शन दिखाएँ अपने जूतों की इस तरह तो जूते तो इतने ख़ास मेरे पास बहुत ज़्यादा तो नहीं है पाँच छः जोड़ियाँ हैं लेकिन मैं क्योंकि मैं लेती रहती हूँ फिर निकालती रहती हूँ इतना मैं ज़्यादा जमा नहीं करती हूँ बाकी कपड़ों की है वो मैं इनशाला ज़रूर शेयर करूँगी तो और बाकी ये देखें और मेरी एक सिस्टर थी अभी मुझे याद आ गया है सना नाम से उन्होंने रात भी मुझे मैसेज किया था कि ख़ास दिल में मेरा नाम लेके दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे भी बहुत प्यारा सा घर दे तो मैंने दिल में भी आपको रात जब हम आ, मैंने नमाज पढ़ी मैंने ज़रूर आपके लिए दुआ की और अब भी मैं सारी अपनी यूट्यूब फैमिली को कहती हूँ कि मेरी सना बहन है मुझे ये नहीं पता कि किस कंट्री से है या मेरी अपनी कंट्री से है बस आप सब लोग उसके लिए भी दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उसको अपना घर दे अभी ये देखे हस्बैंड भी रेडी हो गए बेटा भी रेडी हो रहा है तो बस ये आ, बस अब ये नमाज़ पढ़ कर आएँगे फिर उसके बाद ही आकर खाना नाश्ता जो भी इन्होंने करना है करेंगे बस फजर पढ़ने के बाद सो गए थे फिर उसके बाद उठे नमाज के लिए अब जा रहे हैं तो अभी माशा अल्लाह पाक ने इतने अच्छे रमज़ान गुजार दिए और फिर रोज़े इतने अच्छे हमारे गुजरे अल्लाह पाक ने बहुत करम हम सब पे किया है अभी बेटी भी आ गई थी अब बस इसके बाल हैं थोड़े थोड़े गीले मैंने कहा ऐसे ही रहने दो तो बस सीधे जब ये सूख जाएंगे ना तो फिर दुपट्टा ले लेना और बाल तो ये इतने कोई हैवी बनाती नहीं है बचपन में बहुत इसके बाल बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन बनाती थी बस अब तो यही है कि इस्काफ पहनती है तो बाल कोई भी नहीं बनाती तो ये देखें ये भी सूट फ्रेंड्स मैंने ख़ुद डिज़ाइन किया है इसका क्लच भी है जो इसने पाउच पहना हुआ है ना क्लच नहीं से पाउच ही कहेंगे ये भी मेरा खुद का डिज़ाइन किया है ख़ुद ही इसको डिज़ाइन करके स्टिच किया है बहुत सारे इनके मैंने इस तरह बनाए अब माशा नमाज़ पढ़ के हस्बैंड बेटा आ गए अलहमदिल्ला पाक ने हमें ये खुशी नसीब की हमारे सब रमज़ान गुज़रे सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मेरी यूट्यूब फैमिली को ईद मुबारक सबको जहाँ जहाँ मुझे देख रहे हैं तो अब आ गई ये बारी ईदी की तो बस अब ईदी लेने की बारी अब ये इसको ईदी भैया भी देंगे और इसके बाबा भी देंगे और अभी भैया देंगे ईदी इसको फिर मैं इसको बाद में दूंगी तो अब ये इनको मीठा देगी कहती मामा मैं डाल के मैं इनका दो इनको डाल के मीठा तो बस इसका भी ड्रेस में मैं अपने बच्चों के बहुत कम हम लोग रेडीमेड कपड़े लेते हैं क्योंकि मैं खुद डिज़ाइन कपड़े करती हूँ तो बस इतने वो प्यारे फिर इनको लगते हैं पहने हुए तो ये देखें ये सारा मैंने डिज़ाइन किया अब यह मीठा निकाल रही है बच्चों के ना जब आप करने लग जाओगे ना बच्चियों के तो वैसे इतना मज़ा आता है कपड़े डिज़ाइन करने में लड़कों के ये होते हैं कि सिंपल सिंपल होते हैं ना तो वो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है तो बस यही है कि अल्लाह पाक सब को ये खुशियां नसीब करे और सब जो जो अपने घर में किस तरह ईद मना रहे हैं और क्या बिज़ी शेड्यूल रहा किस तरह ईद ली मुझे कमेंट में इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी ज़रूर बताइएगा तो चलिए फ्रेंड्स इस प्यारे से व्लॉग के ब्लॉग व्लौक मैंने आपके साथ बहुत जल्दी में शेयर किया है इसके साथ ही मैं एक प्यारी सी दुआ के साथ ये व्लॉग की एंडिंग करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे आबाद रखे आमीन अल्लाह पाक आप सबकी खुशियाँ ईद की सलामत रखे और अल्लाह हाफिज़